जून के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बने। जहां तक मेरी जानकारी है मित्रों, लोकतांत्रिक देशों में पूरे विश्व में तीसरी बार यह अवसर यदि किसी को प्राप्त हो रहा है तो हमारी एनडीए को यह अवसर प्राप्त हो रहा है। और साथियों, आज देश अपने आप को दशकों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है। और मैं मानता हूं कि इस काम को और अधिक गति देने के लिए मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। अभी देश के रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। साथियों, ये प्रस्ताव सिर्फ हम सब बैठे हुए चंद लोगों के मन की इच्छा नहीं, यहां बैठे हुए एनडीए के घटक दलों की एक सर्वसम्मत इच्छा भी नहीं। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। इस सब इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से, देश की जनता की ओर से और एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से ये तीनों प्रस्ताव जो श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने रखे हैं इनका मन पूर्वक समर्थन करता हूं। आई हैव सीन फॉर द इलेक्शन कैंपेन फॉर द 3 मंथ्स ऑनरेबल पीएम नेवर टुक एनी रेस्ट डे एंड नाइट ये कैंपेन सेम जील ही स्टार्टेड एंड एंडेड सेम स्पिरिट इन आंध्र प्रदेश वी हैड 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. Here today, we stand at a crucial juncture in our nation's history. NDA government, under the visionary leadership of Sri Narendra Modi ji, has taken significant initiatives in the last 10 years. The country has witnessed remarkable progress and transformation. Narendra Modi ji focused and dedicated approach has transformed the nation into a global powerhouse. I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. All countries are having 1 or 2%, 3% growth rate. India is growing at the highest growth rate for the last 10 years. In ancient times also, we had all resources, but recently we are moving very aggressively. The reason is very clear. We are having leader. That leader is Narendra Modi. Now, I proudly propose the name of Sri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam Party for the post of Prime Minister of this great nation. 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। अब बिहार और देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार वहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको भी कर देंगे, यही हम लोगों को कहना है। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो। और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एनडीए के
जितने भी विपक्ष वालों ने जब अभी हमारे नीतीश कुमार जी ने कहा कि यहाँ वहां जो गए हैं उनका क्या होने वाला है, उन्होंने कहा है, और कितना भी झूठे नैरेटिव, झूठी अफवाहें फैलाकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन ये झूठे नैरेटिव और झूठी अफवाहें फैलाने वाले को देश की जनता ने नकारा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वीकारा है। और लोकसभा के चुनाव में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेहनत की है, जो सभाएं ली है, जो उनकी जादू है, वो जादू इस बार फिर लगातार तीसरी बार इस देश ने देखी है, और इसलिए उनको मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए शिवसेना पार्टी की ओर से हृदय से मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। हम लोग सर जब क्षेत्र में जाते थे आपके नाम पर जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता था, ये हम सबके लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे नेता, एक ऐसा नेतृत्वकर्ता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। मैं चिराग पासवान, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। और अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा सर, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक सपना देखा था और उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। मुझे लगता है उनके इस सपने को, उनके इस लक्ष्य को और करोड़ों देशवासियों को अंधकार से निकालने की उम्मीद एकमात्र आप हैं सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जय हिंद। मैं एनडीए के हमारे साथी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी से आग्रह करूंगा कि वो प्रस्ताव का अनुमोदन करें। मोदी जी, यू ट्रूली इंस्पायर द नेशन। एज लॉन्ग एज यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, आवर कंट्री विल नेवर बो डाउन टू एनीवन सर। द माइटी हिमालयस विल नेवर बो डाउन लाइक दैट अंडर योर लीडरशिप, एंड यू हैव इंस्पायर्ड एवरीवन सर। यू हैव इंस्पायर्ड एवरीवन। वी ऑल रैली बिहाइंड यू, वी ऑल रैली बिहाइंड यू। द वे यू हैव ट्रिगर्ड अस टू सर्व द नेशन, द काइंड ऑफ पेट्रियटिज्म you have instilled in us by your actions, by your words, by your deeds, and the kind of development you had shown us in the progress. On behalf of Janasena Party, I support Sri Narendra Modi ji as the leader of the NDA Parliamentary Party. Mitro, ab wo aitihasik ghadi aa gayi hai, jo prastav maniye Rajnath Singh ji ne hum sabke samne rakha, jise sabhi dalon ne, ghatak ne samarthan anumodan kiya, wah sadan ke samne rakha jata hai. Aap sab se nivedan hai ki kartal dhwani ke saath is sar भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। व्यक्तिगत जीवन में एक मैं जवाबदारी का एहसास करता हूं। जब 2019 में इस सदन में मैं बोल रहा था, आप सबने मुझे नेता के रूप में चुना था, और तब मैंने एक बात पर बल दिया था, विश्वास। आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच, हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है, और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है, और इसलिए ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी हैं। और आप सबके प्रति जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। और ये गठबंधन का विजय हमने बहुमत हासिल किया है, और मैं कई बार कह चुका हूं, शब्द अलग होंगे लेकिन मेरे भाव उसमें एक सातत्य है। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। और मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। दक्षिण भारत में एनडीए ने एक नई राजनीति की नींव मजबूत की है। अब देखिए कर्नाटक एंड तेलंगाना, अभी अभी तो इनकी सरकारें बनी थी, लेकिन पल भर में ही लोगों का विश्वास टूट गया, भ्रम से लोग बाहर आ गए और एनडीए को गले लगा दिया कर्नाटक और तेलंगाना में, दोनों जगह। साथियों, तमिलनाडु,
मैं तमिलनाडु की टीम को भी बधाई देना चाहूंगा। और वहां हमारा एनडीए समूह बहुत बड़ा भी है और कईयों को पता था कि हम एक साथ एक सीट नहीं लड़ा पाएंगे, लेकिन इस लड़ाई में हम साफ रहेंगे। और मैंने बहुत से एनडीए के साथी तमिलनाडु में ऐसे हैं कि जिनका कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन इस झंडे को ऊंचा रखने के लिए कुछ जी जान से जुटे थे। और इसलिए आज तमिलनाडु में भले हम सीट नहीं जीत पाए, लेकिन जिस तेजी से एनडीए का वोट शेयर बढ़ा है वो साफ साफ संदेश दे रहा है कल में क्या लिखा हुआ है। साथियों, पुडुचेरी हो, केरला, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बलिदान, यूडीएफ हो या एलडीएफ हो, शायद हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में इतना जुल्म एक विचारधारा को लेकर के जीने वाले लोगों पर हुआ होगा तो सिर्फ मैं कह सकता हूं केरल में, जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा हुआ है। उसके बावजूद भी सामने कहीं विजय नजर नहीं आता था, उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा में कभी पीछे नहीं रहे, पीढ़ियां खपा दी। और आज पहली बार संसद में केरल से हमारा प्रतिनिधि बन गया। साथियों, अरुणाचल में हमने लगातार हमारी सरकार बनती रही है और भारी समर्थन से बनती है। सिक्किम में भी हमारे एनडीए की सरकार करीब करीब क्लीन स्वीप के साथ, अरुणाचल क्लीन स्वीप, आंध्र मैं अभी बाबू को पूछ रहा था, बोले हिस्टोरिकली ये सबसे हाईएस्ट। और ये जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं है, आंधी है। मैं हमेशा मानता हूं ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, लेकिन जब मैं भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी को याद करता हूं तो मैं हमेशा मानता हूं ये गरीबों के देवता है। और वहां जो क्रांति रूप परिणाम आया है, मैं इसे एक रिवॉल्यूशन देख रहा हूं। और मैं इसके साथ कह सकता हूं कि विकसित भारत का हमारा जो सपना है, आने वाले 25 वर्ष, पहले मैंने 10 साल कहा था, या मैं 25 साल कह रहा हूं, आने वाले 25 साल महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से उड़ीसा देश की विकास यात्रा के ग्रोथ इंजन में की एक होगा। 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन फिर आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी निकाल जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत कर दी है, क्योंकि इनके सूत्रों की दबाव में बहुत कम है। चुनाव के समय मैंने पहली बार देखा, शायद हर तीसरे दिन इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए, पार्टी पार्टी की एप्लीकेशन, और एक ही टोली थी। सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करते हुए कैसे रुकावट डाले इसका निरंतर प्रयास करते रहे, और चुनाव आयोग की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अदालतों में इस पीक अवर्स में, चुनाव के पीक अवर्स में, यानी कितनी निराशा लेकर के ये लोग मैदान में आए थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टीट्यूट पर लगा दो ताकि चुनाव के कोई भी परिणाम आए हम दुनिया के सामने भारत को भी बदनाम कर लें, ये षड्यंत्र का हिस्सा था। दोस्तों, इंडी गठबंधन वाले, मैं मानता हूं ये लोग मन से पिछली शताब्दी के सोच वाले लोग हैं, वे टेक्नोलॉजी को हम महत्व न समझते हैं, न टेक्नोलॉजी स्वीकार करने को तैयार है। और ये सिर्फ ईवीएम में दिखाई दिया, ऐसा नहीं यूपीआई में दिखाया, जब हमने कहा हिंदुस्तान के लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे, फिनटेक की दुनिया में हिंदुस्तान का नाम हो गया, मानने को तैयार नहीं। आधार आज देश की पहचान बना है, मैं तो देख रहा हूं कि मुझे कई देश कहते हैं हमें आधार की पद्धति से आगे बढ़ना है, आप कैसे मदद कर सकते हैं। उस आधार को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बार 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 जाकर के परेशानियां पता, यानी मूलतः ये प्रगति के विरोधी, आधुनिकता के विरोधी, टेक्नोलॉजी के विरोधी इंडी अलायंस कि विश्व में भारत के लोकतंत्र की ताकत को कम आंकने का प्रयास, और कितना एक्सट्रीम है। मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और ये दुनिया में जाकर के बता रहे हैं नहीं नहीं हमारे देश में तो डेमोक्रेसी ऐसा कुछ नहीं, वो मोदी बैठ गया है, वो चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया, कुछ तो गड़बड़ की होगी। भारत के नागरिकों को चुनाव प्रक्रिया के प्रति अविश्वास पैदा करने का जो उनका षड्यंत्र है, मैं मानता हूं कि अब दुनिया भी भारत के लोकतंत्र की विविधता, विशालता, व्यापकता, गहनता, इन सबको भी जानने समझने के लिए आकर्षित होगी, ऐसे ही इस चुनाव के नतीजे में देखना। 1 तारीख को मतदान पूरा हुआ और 4 तारीख को काउंटिंग, इस बीच की चीजों को आप देखिए, योजनाबद्ध तरीके से देश को हिंसा की आग में झोंकने का भाषा बयान दिए जाते, यहां इकट्ठे होना, यहां पहुंचना, यहां करना। कुछ लोग इस चीज को गंभीर नहीं लेते, लेकिन ये बहुत गंभीर है। आप भारत के लोकतंत्र को, पहले उसकी व्यवस्था को अनादर करते हो, अब परिणाम आने से पहले एक ऐसा माहौल बना दो कि बस आग लगा देंगे। हर प्रकार से उन शब्दों का अर्थ यही निकलता है, लगातार देश को गुमराह करने का प्रयास किया गया, देश के लोगों को बांटने का प्रयास किया। अरे चुनाव एक ऐसा लोकोत्सव होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़े, तोड़ने के लिए नहीं होता है। गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है, लेकिन
कोशिश की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय के छाया में डुबो कर रखना, लेकिन उस पर ऐसी चीजों की बाल मृत्यु हो जाती है और हो भी गई। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। आप सोचिए 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई, और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनावों को जोड़ करके कहूं तो इन तीन चुनावों में जितनी सीटें हमें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। साथ में इन लोगों का जो व्यवहार रहा है 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता था कि वे लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि शायद उनमें ये संस्कार आए, इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। और ये वो लोग हैं जो खुद की पार्टी के पीएम का अपमान करते, उसके निर्णयों को फाड़ देते, खुद की पार्टी को विदेशी मेहमान आ जाए तो उसके लिए तैयार नहीं होती थी। ये सारे दृश्य आपने देखे, हर चीज में उनका कैरेक्टर दिखाई देता है। और क्या रहा, फोटो ऑप के लिए तो उन्होंने अलायंस घोषित कर दिया, लेकिन कितने ही राज्यों में वो आपस में लड़ते रहे हैं, चुनावी जंग में एक दूसरे की पीठ में चुरा भोंकते रहे हैं। कभी उन्होंने कहा कि ये तो हमारा वैचारिक अलायंस है, वो भाई विचार लेवल पर ठीक है, बाकी नीचे तो हमारा अपना हम तैयार करेंगे। और अब फिर उन्होंने कहा कि भाई हम तो सीट के आधार पर अलायंस करेंगे, टोटल न भी करें, ये भी खेल खेला। और अभी तो चुनाव पूरा शुरू कर दिया कि ये तो हमारा अलायंस लोकसभा के चुनाव के लिए था, बाद में नहीं है, ये भी शुरू कर दिया। यानी मैंने बहुत पहले कहा था कि आप देख लेना 4 जून के बाद बिखराव शुरू हो जाएगा, और वो शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख के लिए एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करते थे, लेकिन उनमें उनका अगर स्वार्थ निश्चित होता तो साथ देना, वरना नहीं देना, ये कैरेक्टर था। ये लोग कितने ही बड़े झूठे बोलते रहे हैं, और आप देखिए चुनाव के समय उन्होंने देश के सामान्य नागरिक को गुमराह करने के लिए जो पर्चियां बांटी कि ये देंगे और वो देंगे और कितना देंगे फलाना देंगे, 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची है 1 लाख रुपया कहां है लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। यानी आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी कि वो बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था भाई 4 जून के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गया। और अब उसको धक्का मारा जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, वहां से निकाला जा रहा है। अब इस प्रकार का चुनाव ये अपने आप में देश के गरीबों का अपमान है, हमारे देश के सामान्य नागरिकों का। साथियों इसी सिलसिले में इस 5 जून को जब पर्यावरण दिवस था, 4 जून को नतीजे आ गए थे, तो उसी दिन मेरे मन में विचार आया कि कार्यक्रम 5 जून को हमने आरंभ किया, एक पेड़ माँ के नाम, हर किसी को माँ के प्रति श्रद्धा होती है। और मैं भी देशवासियों को कहूंगा कि आने वाले समय में कभी आपकी माता जी का जन्मदिन हो या कोई और शुभ दिन हो, अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाइए, और माँ जीवित है तो साथ लेकर जाइए, उनकी फोटो सोशल मीडिया में अपलोड कीजिए, और माँ नहीं है तो उनकी फोटो रख करके एक पेड़ लगाइए, और वो अपनी माँ का भी सम्मान होगा और धरती माँ की सेवा होगी। हम पिछले 2 दिन से आप टीवी पे देखते होंगे, एक भी सच्चाई मुझे उसमें नजर नहीं आई, कोई ये कह रहा है कोई वो कह रहा था, सब मैंने कहा जरा पूछो तो ये जानकारी लाते कहां से, गबगोले चला रहे, किसी के खाते में कुछ भी डाल करके चल रहा है। मतलब ये थोड़े दिन, क्योंकि 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा, लेकिन आप मान के चलिए जी ऐसे लोग कोई पहुंचेंगे, बस साहब मेरा अच्छा संबंध है मंत्री में, आपका नंबर कर सकता हूँ, हमें भी पता नहीं होता यार, हो सकता है मिनिस्टर बनने का ही रास्ता होगा तो हम भी गलती से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो पता नहीं वो किस खाई में डुबो देता है। कभी कभी तो शायद आप तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हो सकता है मेरे सिग्नेचर से कोई लिस्ट बाहर निकल जाए कि ये मंत्री बन गए, हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपार्टमेंट भी बांट दे। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। आप भी किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है, अदरवाइज कोई भी क्या भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है, कुछ लोग आदतन करते रहते हैं, कुछ लोग मजाक आती है और कुछ लोग बदिरादे से करते हैं। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। दूसरा, हमारे जो इंडिया अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल PhD कर लिया उन्होंने, वो शायद इसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है, और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ 1 लाइफ 1 मिशन, और वो है मेरी भारत माता। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों को 1000 साल की मुसीबतों से जो गुजरी हुई पीढ़ी दर पीढ़ी है उसे मुक्ति दिला करके सम्मान के साथ विश्व में, मेरा हर देशवासी दुनिया उसे देखे तो उसका मन कर जाए
काश ये हिंदुस्तान का है, अरे नजर मिल जाए तो अच्छा होगा, ये मैं स्थिति पैदा करना है। उसका मन लालायित होना चाहिए, हिंदुस्तानी है, अरे यार जरा हाथ मिला लूं, कुछ एनर्जी मुझे भी आ जाए, मैं देश को इस ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं। और साथियों मुझे पक्का विश्वास है आपका साथ, आपका सहयोग, आपका अनुभव बहुत बड़े परिणामों की संभावना लेकर के आया है। लोकसभा का यह गठन उन सभी आकांक्षाओं को पूरा करेगा। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।